नमस्ते, मसाला बाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लंगर वाली माँ छोले की दाल। इसे काली पीली दाल भी कहा जाता है। आज मैं आपको बिना प्याज और लहसुन के लंगर वाली दाल सिखाऊंगी। लंगर वाली दाल बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी चने की दाल, आधी कटोरी उड़द छिलका, 3 टमाटर चॉप्ड किए हुए, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा घिया कस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, 3 बड़े चम्मच देसी घी, पानी दाल पकाने के लिए। सबसे पहले हम चने की दाल और छिलके वाली दाल को पानी में 15 से 20 मिनट भिगो के रख देंगे। अगर आप दाल नहीं भिगोते तो 25 मिनट लगेंगे, और अगर दाल को आप भिगो देते हैं तो 15 मिनट में दाल बनकर तैयार हो जाएगी। इससे समय की और गैस की बचत होगी। दाल को हमने साइड में भिगो कर रख दिया है। लंगर वाली दाल बनाने के लिए हम तड़का पहले से ही दे देंगे। गैस पर कुकर रखेंगे और उसमें देसी घी डालकर मीडियम आंच पर 2 मिनट घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे घिया कस किया हुआ अदरक, हरी मिर्चें और आधा मिनट इन्हें भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर टमाटर को पका लेंगे। तीन मिनट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे भीगी हुई दाल। जिस कटोरी से हमने दाल का नाप लिया था, हमने 1 कटोरी दाल ली थी, अब हम उसमें 3.5 कटोरी पानी की डाल देंगे। और कुकर को बंद कर देंगे। 1 विसल तेज आंच पे देंगे और उसके बाद गैस धीरी कर देंगे। 15 मिनट तक दाल को पकने देंगे। 1 विसल आ गई है, अब गैस मीडियम कर दें और 15 मिनट तक दाल को पकने दें। 15 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर निकल चुका है। अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे, चेक करेंगे दाल बनी है कि नहीं। हमारी दाल बनकर तैयार है। अगर आपको लगे कि दाल गाढ़ी है तो आप आधा कप पानी का उबाल कर दाल में मिला सकते हैं और 2 से 3 मिनट तक ढक्कन हटाकर दाल को पका सकते हैं। हमारी दाल तैयार है, गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। लंगर वाली दाल तैयार है। इसे हम गरम मसाले से गार्निश करेंगे। आप इसे चपाती या सादे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी लंगर वाली दाल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मसाला बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।